हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। माय व्लॉग चैनल SVN07 में आप सभी फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चित्रकूट जलप्रपात दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, चलते हैं। वहाँ का दृश्य किस टाइप का होगा सो आप लोगों को वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो चलिए, बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। हाय दोस्तों, अभी हम पहुंच गए चित्रकूट, ग्राम पंचायत चित्रकूट आप सबका स्वागत करता है। और देखेंगे वाटरफॉल। दोस्तों, यहां पर एंट्री टिकट लिया जाता है। आप देख सकते हैं सज्जन लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बाइक में हैं। बाइक का एंट्री चार्ज लगभग 20 रुपये है और अन्य चार पहिया वाहनों का 30 से 40 रुपये के बीच हो सकता है। यहाँ पर छोटे छोटे दुकानें लगी हुई है, आपको चाय नाश्ता व बस्तर कला को भी देखने को मिल सकता है। यहाँ से आप वाटरफॉल की ओर जा सकते हो। सबसे पहले श्री प्रतापेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन कर सकते हो। मंदिर जाने का गेट है, आप देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन पर्यटक आते हैं और अपना मनोरंजन कर जाते हैं। आप लोगों को घर बैठे मैं प्रतापेश्वर महादेव व नंदी का दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, दर्शन करिए भाई साहब। ये देखिए नंदी महाराज, मंदिर से वाटरफॉल का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल के पास। इस वाटरफॉल को देखने आए पर्यटक अपनी यादें संजोए रखने के लिए फोटो खिंचवाते हैं और ये वाटरफॉल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं चित्रकूट जलप्रपात में। सो मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं यहाँ का नज़ारा। तो गाइस, अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो गाइस, इस वाटरफॉल को देखने के लिए देश के कोने कोने से और विदेशी पर्यटक भी आते हैं, आप देख सकते हैं। मजा लीजिए। यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं।
बस्तर की आराध्य देवी माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। लिखा गया ये वाटरफॉल के नीचे का खूबसूरती है। आई लव बस्तर, हमारा बस्तर कितना सुंदर है ये बस्तर। यहाँ पर खिलौनों के भी दुकान लगे हुए हैं, आप देख सकते हो ये बांस के खम्भों से बना। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नई नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।